ये गाड़ी, ये गाड़ी। बड़े बड़े पीछे पड़ते जाइए, पीछे पीछे आप क्लियर रास्ता क्लियर चाहिए ना। सजा दो पूरे मिथिला को, आज सिया राम आए हैं, धन्य हो गया कोई मिसरे। श्री राम और रावण के बीच का एक संवाद है। जब पहले दिन का युद्ध हुआ था दोनों के बीच, तो युद्ध होते होते संध्या हो गई थी और एक समय ऐसा आया था कि जब सदैव पथ पर चलने वाला रावण धरती पर चला रहा, श्री राम ने उसका रथ, उसके रथ की ध्वजा, उसकी खड़क, उसके रथ का पहिया, सभी कुछ तोड़ दिया। और तब तब भगवान श्री राम ने महाराज रावण से जो कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं आप सबके सामने विकास जी, जो झा परिवार के शुभ चिंतक हैं, हमें लेकर आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर। मैंने सीता जी की भूमिका निभाई और सीता जी मिथिला की है, मिथिला की बेटी है, लेकिन इतना प्यार आप सब ने, झा फैमिली ने, परिवार ने इतना प्यार बरसाया कि मुझे लगता है कि मैं दीपिका, मैं मिथिला की हूँ। एक बार सब गोटे जोरदार ताली बजा का स्वागत करियो। समस्त ग्रामीण के सहयोग से आई कोई भी सर लगवा के पवित्र पावन धरती पर सीता मैया और पाहुन से ये चुने जाते लगे हैं। इसका मतलब जरूर उन्होंने बहुत अच्छे काम करते होंगे आप सबकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई। पावन धरती है आपकी, आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर रामायण और रामायण के सभी अपार सभी चरित्र, कोई सा भी चरित्र आप उठा लीजिए, उससे हम कुछ न कुछ जग नंदनी माँ जानकी की जय। देवा आवाज़ धमा।